उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में शुरू हुए दंगों को तुरंत काबू करने के लिए उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद से दिल्ली लौटने के बाद हिंसा को लेकर देर रात तक बैठक कर राजधानी की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद दौरे के चलते केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात में थे। दिल्ली के जाफराबाद, भजनपुरा, मौजपुर, दयालपुर और गोकुलपुरी इलाके में हिंसा भड़क गई और उन बिगड़े हालातों पे काबू करने के लिए जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली। अहमदाबाद से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद पूरे हालात का अमित शाह ने जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम आला हुक्मरानों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला, आईजी चीफ दिल्ली, पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक और गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह से जल्दी दिल्ली के बिगड़े हालात को काबू में लाया जाए। केंद्रीय मंत्री शाह ने सोमवार देर शाम को ही एक्शन में आकर अर्जेंट मीटिंग बुला ली। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंगलवार सुबह आपात बैठक बुलाई। आपको बता दें कि शनिवार रविवार से धीरे धीरे फैली दंगों की आग ने सोमवार को बड़ा रूप धारण कर लिया। सीएए के विरोध और पक्ष में जुटी भीड़ आमने सामने आ गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। सोमवार दोपहर बाद सीएए विरोधी भीड़ में से निकले एक युवक ने सीएए समर्थकों की भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। गोली वाला युवक भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार होने की कोशिश में था, लेकिन बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।